personally, I think she did a really good job. After marriage, usko thoda rest nahi mila tha. I'm pretty happy she's gone. Like everyone's kind of, I think, ready for a change. And इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि Hi guys, welcome back to your YouTube channel. और मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो न्यूजीलैंड में चल रहा है. न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पीएम पोस्ट से. इसी साल इलेक्शन था तो लोग बड़े कंफ्यूज हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया. तो चलिए जानते हैं, मैं आपके यहाँ के कुछ लोगों से आपकी बातचीत कराता हूँ, कुछ जो बाहर से रहने हुए हैं, कुछ जो यहाँ के लोकल्स हैं वो क्या सोचते हैं, इनको करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, क्यों किया. तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूँ लाइव इंटरव्यूज पे. चलिए पहले ये जो रेड कलर का आइकन है सब्सक्राइब का, भाई इसको सब्सक्राइब कर दो तो मोटिवेशन आएगी, अगली वीडियो जल्दी आएंगी, नहीं तो बहुत देर से आएंगी. तो गाइज हम पहुंच चुके हैं चूल्हा पे, जो कि इंडियन टेक अवे है, बड़ी फेमस है यहाँ पर ये शॉप. तो पहले तो चूल्हा के जो ओनर्स है उन्हीं से पूछते हैं कि उनको उनका क्या सोचना है इस बारे में. तो हम आपको दिखाते हैं. Hello. इनका नाम है मेधा जी. आप बताइए कि जो जसिंडा ने रिजाइन किया है अभी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने, तो उस पर आपके क्या व्यूज है. नहीं करना चाहिए. Should I wait for election? क्यों नहीं करना चाहिए था? Quitting is not the option. I don't know why she quit, but yeah, I have no answer for this, but नहीं करना चाहिए. ओके, इनके पार्टनर से पूछ लेते हैं, क्या पता दोनों के अलग सोच हो. Hi. I think she should have waited for some more time because we knew that she's not going to come again in the government. But I think because of the fear, she has resigned yesterday. तो आपको लगता है आपको पहले से पता था वो हारेंगी? Of course, this is not going to happen. I'm pretty much sure about it. We hold. I mean, government labor की नहीं आने आगे इस साल. Okay. Sure. Cool. Thank you. Hi guys. How are you? Good. So I have one question for you. Are you okay to answer? Yes. Okay. So do you think it's the right time for Jacinda to step down? Definitely. Absolutely. Yeah. Without a doubt. Yeah. Okay, don't you think she should have completed the term or come up with the new ideas? She possibly should have, but I think there's underlying issues she's got at the moment. That's why her resignation is on the table already. Okay. So, yeah. Cool. I think she's been forced to do that. Yeah. Oh, hopefully the truth comes out. We'll all see. Cool. We shall do. Okay, thank you so much for your views. Thanks. Thank you. Bye. Hi, how are you? Hi, एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आपसे एक सवाल पूछना है. हाँ जी, वेरी कंफर्टेबल. आपका नाम? अमिता. तो गाइस हम अमिता से पूछते हैं कि जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा ने रिजाइन किया है उस पर क्या कहना है आपको, क्या लगता है सही हुआ गलत हुआ? यार जसिंडा के रिजाइन के ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँ. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज उसको थोड़ा रेस्ट नहीं मिला था. इट्स बेटर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी, अच्छा है, क्योंकि वैसे भी क्राइम इतना बढ़ चुका था कि वो स्ट्रेस में जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है. तो इट्स बेटर समवेयर कि हाँ चलो ठीक है, कोई आएगा देखेंगे, कुछ नया होता है. तो आपको नहीं लगता कि कुछ ही महीने बचे थे इलेक्शन में, तो शादी तो हो ही गई थी, अब ठीक है दो चार महीने रुकी जाती? यार मुझे ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ वो जो प्रेशर आ गया था ना, इतना क्राइम, ऊपर से चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उस स्ट्रेस में चली गई थी कि इट्स बेटर रिजाइन करते हैं, उसके बाद चिल करते हैं, देखा जाएगा जो होना है. तो गुड समवेयर. ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने अपने व्यूज शेयर करे हमारे व्यूअर्स के साथ. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? गुड मैन. सो व्हाट्स योर नेम ब्रो? कॉनर. Cool. Yeah. So as you know, like your Prime Minister, Jacinda, she resigned from her post, right? Yes. So what do you think? It's a good decision or what do you think? I think it's definitely like one of the hardest jobs in the country. Personally, I think she did a really good job. Yep. In her time. And you know, like she really kind of took the role in one of the hardest kind of times really in recent history, and you know she was doing it for quite a few years, and it's not surprising that she was drained to the point where she needed to end it. Don't you think she supposed to finish next few months, like before election she resigned, the critical time? That is a bit that is kind of something to think about, that like maybe she could have just waited until just another couple months, but ultimately, you know, that was kind of her call, and I'm sure she's done a lot of kind of thinking on that. Cool. Already. Cool. Thanks, bro. Thanks for your time. Okay. And sharing your views. Yeah. तो गाइज हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं, और रवि से हम एक दो सवाल करेंगे. रवि आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया से हूँ, बेसिकली फ्रॉम हरियाणा. ओके, हरियाणा से. तो अभी जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने जसिंडा ने रिजाइन किया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इतना मतलब कि मैं न्यूज़ वगैरह को ज़्यादा देखता नहीं हूँ. हाँ जी. तो बट कहीं ना कहीं किया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही ये डिसीजन लिया होगा. तो बाकी आगे देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा कुछ कह नहीं सकते. पर आपको जसिंडा एज अ पीएम पसंद थी या नहीं थी, या आप किसी और को चाहते हो कोई और पीएम आए?
नहीं एज सच ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ ठीक भी कर रही थी वो, और कुछ नेगेटिव भी लगा लो, कुछ लोगों को पसंद भी आई है, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आई वो। तो मैं बिल्कुल रिपोर्टर की तरह बात करता हूँ, आपको पसंद थी नहीं थी? बिल्कुल सही जवाब देना भाई, ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक थी और कहीं ना कहीं डिसीजन उसके गलत भी थे। ठीक है, हाँ। तो भाई ने बिल्कुल न्यूज़ वालों की तरह बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया है कि सही भी थी और सही नहीं भी थी। सो आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ यू, आर यू हैप्पी टू आंसर? ओके, सो एज यू नो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड रिजाइन यस्टरडे, सो डू यू थिंक इट्स द राइट टाइम और शुड हैव स्टेड मोर और कम अप विद एनी आइडियाज और एनीथिंग? I think it's probably the right time at the moment. Yeah, so right time. I think she's very good for the welfare of the people, but probably the economy is what needs to come back right about now. Okay. That's yeah. Cool. And what's your opinion? I'm pretty happy she's gone. Yeah? Yeah. Why do you think yeah, sure. And what about you, bro? I mean, it's kind of a niggly spot to leave the country mm-hmm. right now, but you know, I'm happy she's gone as well. Yeah. Typically, you know, Labor spends all the money, National makes it all, so hopefully we can get a bit of a change and get back on track. Yeah. Cool. So you think National gonna win this time? Yeah. I'd say so. Yeah. And do you think is this the reason she resigned? Like because she knows she might not win? I reckon that's probably right, like, you know, in the back of her mind a little bit, like, yeah. Everyone's kind of, I think, ready for a change and getting pretty sick of some of the stuff that she's been doing and not doing, but, yeah. Cool. Thanks, guys. Thanks for sharing your views. Right, thank you. भाई से पूछते हैं, मैं इसको जानता हूँ. कैसे भाई? अरे भाई, कहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं लोगों के इंटरव्यू ले रहा हूँ और बढ़िया मिल गया. तो लग रहा होगा किसका ले रहे हो तुम? भाई, इनको मैं वैसे जानता हूँ, आशीष इनका नाम है भाई, जॉब पे. हाँ भाई, घर जा रहे बस. ओके, तो जो जसिंडा जी ने रिजाइन दिया कल, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या कहना? तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर क्या है ना, फाइल अपनी थोड़ी प्रोसेसिंग में, तो ना कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं ना, समझ रहा होगा तू? समझ गया. तो भाई, ऐसे हमें बहुत सारे ऐसे अपने लोग मिले आज जिन्होंने पीआर फाइल की हुई है और वो पॉलिटिक्स पर कुछ बोलना नहीं चाहते, बट कोई बात नहीं, हम किसी और से भी बात करते हैं. बस बढ़िया ब्रो, आप बताओ, काफी टाइम बाद चांस के चक्कर लगा. मैं आज सबका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ हर जगह, तो अच्छा हुआ मिल गया भाई. अच्छा ये बताओ भाई, अभी जो न्यूजीलैंड की पीएम ने रिजाइन किया है, तो जसिंडा ने जब रिजाइन किया तो उस पर क्या व्यू है? होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? देखो, वैसे तो करे ना करे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सरकार वैसे ही नहीं आनी, बट अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसने बहुत अच्छा किया रिजाइन करके, क्योंकि जितना भी उसने अभी कोविड के टाइम पे किया था तो उसकी बहुत प्रेज हुई थी इंटरनेशनली और उसका नाम लाइमलाइट में था, बट अब जो हालत हो चुकी कंट्री की, लोगों का पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, अब हर चीज़ का ब्लेम धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द डे जसिंडा पे ही आना था, तो उसने इस टाइम रिजाइन करके सबसे बड़ा गेम प्लान अपना क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कर दिया है. Okay. तो आई थिंक आने वाले टाइम में वैसे भी लेबर ने जीतना नहीं है, तो ये सेफ एस्केप मानते हो आप इसको? सेफ एस्केप है, और अभी भी उसका इलेक्शन में कोई चांस था नहीं, तो बेस्ट था उसने रिजाइन कर दिया. आई थिंक सही है उसके लिए. चलो, थैंक यू भाई.